Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are with the third session for all the important short notes of computer network subject for the students of GATE and NET exam. So let's move to the topic IPv4. अब IPv4 में भी हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, जो कि हमने प्रीवियस लाइक वीडियो में भी डिस्कस किया था ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बिट्स भी लर्न कर लेते हैं कि किस फॉर्मेट के साथ कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रहे हैं. लाइक फॉर द वर्जन वी आर हैविंग 4 बिट्स, हेडर लेंथ के लिए भी 4 बिट्स, देन सर्विस टाइप के लिए 8 बिट्स, टोटल लेंथ 16 बिट्स. अब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स यूज होंगे 16 बिट्स. अब जो हमारे पास सिंपल फ्लैग्स होते हैं, यहाँ पे 3 फ्लैग्स हमारे पास स्पेसिफाइड होंगे, उसके लिए भी यहाँ पे 3 बिट्स यूज होंगे. देन फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के लिए 13 बिट्स. टाइम टू लिव कितना, मतलब टाइम जो है पैकेट इट विल लिव, दैट इज 8 बिट्स यहाँ पे इसलिए है. देन प्रोटोकॉल्स के लिए अगेन 8 बिट्स. फॉर द हेडर चेक सम वी आर हैविंग 16 बिट्स. एंड इन द लास्ट, अब सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का जो होता है वो कंप्लीट 32 बिट्स ही होते हैं, ये हमें पता है. एंड इन द लास्ट जो ऑप्शनल डेटा के लिए 0 से लेकर के 40 जो बाइट्स होते हैं वो ऑप्शनल डेटा के लिए यहाँ पे लास्ट में स्पेसिफाइड होगा. तो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस IPv6. इसका बहुत छोटा सा जो फॉर्मेट है वो है नेटवर्क प्रीफिक्स. यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सबनेट आईडी, देन होस्ट आईडी. अब जो नेटवर्क प्रीफिक्स है इट कैन बी ऑफ एन बिट्स, राइट? इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस रेंज असाइंड टू अ साइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सबनेट आईडी. यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अ लिंक विद इन अ साइट, एक साइट के अंदर ही जो हमने मतलब फर्दर डिवाइड करना है नेटवर्क को, उसके लिए यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई होगी. देन होस्ट आईडी आ जाता है लास्ट में. इंटरफेस आईडी जिसे सेंड करना है, यहाँ पे आ जाता है ये 64 बिट्स का. तो ये सिंपल फॉर्मेट है IPv6 के लिए. हमें डायरेक्टली लर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास UDP, अब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे इसका भी एक हेडर फॉर्मेट है जिसमें कि हमारे पास सिर्फ 4 ही जो चीजें हैं, सोर्स पोर्ट, देन डेस्टिनेशन पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वो तो होगा ही, यहाँ पे 32 बिट्स का जो होगा एंटायर लेंथ होगा इसका. देन यहाँ पे आ जाता है लेंथ, देन चेकसम. अब ये इक्वल डिवाइड हुआ है यहाँ पे 16 16 बिट्स ईच, राइट? तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर IPv6 एंड UDP. नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट टेबल है, वेरी एफिशिएंट टेबल, मतलब ये इतना यूजफुल टेबल है, यहाँ से हमें बहुत नॉलेज मिलेगी. लाइक देखिए आप, DNS, HTTP, SMTP, POP, IMAP, FTP, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे लिए हैं. अब डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आ जाता है विच ऑफ द प्रोटोकॉल इज स्टेटलेस या स्टेटफुल, तो उसके लिए हम इस टेबल से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ये हमारे पास चीजें आ गई, ये 3 चीजें DNS, HTTP एंड SMTP, दीज आर स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स. अब लास्ट ये जो 3 है हमारे पास, ये आ जाते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट आ जाता है UDP या TCP के बारे में. हम जानते हैं कि लाइक फॉर द ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, या तो यूडीपी होता है या फिर हमारे पास टीसीपी होता है. जो फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास डीएनएस है, डीएनएस के लिए यूडीपी, एंड रिमेनिंग फॉर ऑल द प्रोटोकॉल्स टीसीपी यूज होता है. अब बात आ जाती है नेक्स्ट फर्दर की कनेक्शन लेस है या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड है. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं जो डीएनएस एंड एचटीटीपी होता है, ये 2 जो प्रोटोकॉल्स होते हैं डीएनएस एंड एचटीटीपी, इनके लिए कनेक्शन लेस है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है. बट इन केस ऑफ रिमेनिंग 4, सभी के सभी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है. SMTP कनेक्शन ओरिएंटेड है, POP कनेक्शन ओरिएंटेड है, देन IMAP कनेक्शन ओरिएंटेड है, FTP भी कनेक्शन ओरिएंटेड है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास परसिस्टेंस के लिए. अब परसिस्टेंट है या नहीं है तो उसके लिए भी, ये जो DNS होता है इट इज टोटली नॉन परसिस्टेंट, एज यहाँ पे क्या है हमारे पास UDP, तो ये क्या है टोटली नॉन परसिस्टेंट आ जाता है. बट इन केस ऑफ HTTP यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें आ गई, HTTP 1.0 इज नॉन परसिस्टेंट, बट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट HTTP 1.1 की अगर बात करें वो हमारे पास फर्दर परसिस्टेंट में आया है. अब ये जो रिमेनिंग 3 है यहाँ पे SMTP, POP एंड IMAP, ये तीनों क्या है परसिस्टेंट है. एंड अगर
FTP की बात की जाए ये थोड़ा सा डिफरेंट है. कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट. अब इसमें FTP में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है हमारे पास कंट्रोल के लिए, एक आता है डेटा के लिए कनेक्शन. अब दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है. कंट्रोल कनेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है. अब जो डेटा का कनेक्शन है दैट इज नॉन परसिस्टेंट. तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे डिफरेंटली लर्न करनी पड़ेंगी. देन आता है हमारे पास पुश एंड पुल. यहाँ पे ये पुश यहाँ पे है और ये दो हैं हमारे पास पुल के लिए हैं, ये वाले दो प्रोटोकॉल्स. अब इसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है. देन पोर्ट नंबर सिंपली लर्न करिएगा कि डीएनएस के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर 53 है. देन एचटीटीपी का 80 ही होता है, एसएमटीपी का 25, पॉप का 110 सॉरी, देन आईमैप का 143. एंड यहाँ पे भी दो डिफरेंट ही होंगे, लाइक एज आई हैव सेट कि कंट्रोल एंड डेटा दो अलग अलग आ जाते हैं. तो 20 फॉर द डेटा कनेक्शन एंड 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन. अब इन बैंड एंड आउट बैंड सर्विसेज भी आ जाती हैं कुछ एक. अगर हम बात करें कि इन बैंड, ये देखिए आप यहाँ तक ये सारी हमारे पास क्या है, इन बैंड ही है, मतलब विद इन नेटवर्क. अगर हम लैंड की बात कर ले तो वो सब मैनेजमेंट क्या हो जाती है, इन बैंड मैनेजमेंट हो जाती है, जहाँ पे एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं सभी डिवाइसेस को, राइट. अब आउट बैंड की अगर हम बात कर जाए तो थोड़ा आउटसाइड नेटवर्क आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आईटी के एसेट्स हो सकते हैं जिन्हें मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो आ जाता है हमारे पास आउट ऑफ बैंड, राइट. तो ये आउट ऑफ बैंड है. यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट फोर पढ़े हैं, फर्स्ट फोर फाइव पढ़े हैं, ये हमारे पास इन बैंड है सर्विस मैनेजमेंट. तो नेक्स्ट इन द लास्ट वी आर हैविंग कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किए हैं, उनके सबके अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं. अब वो पोर्ट नंबर पे भी डायरेक्टली जो क्वेश्चन आ जाता है उसे भी रिमेम्बर करने के लिए आप डायरेक्टली इस टेबल से लर्न कर सकते हैं कि डीएनएस के लिए 53, ये एचटीटीपी के लिए 83, एफटीपी के लिए 20 फॉर द डेटा कनेक्शन एंड 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन. देन एसएमटीपी के लिए 25, पॉप के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए 110, एसएनएमपी के लिए दो हैं हमारे पास 161 एंड 162, देन ट्राइवियल एफटीपी के लिए 69, देन आईमैप के लिए 143, टेलनेट के लिए 23. तो ये मतलब है तो प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हमारे पास, बट दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट जिन पे बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है. अब यहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट है. यूडीपी जो है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस होता है वो डीएनएस के केस में, ये हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था. देन ये आ गए हमारे पास सब टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी एंड पॉप इनके लिए. देन अगेन यहाँ पे दो के लिए यूडीपी है, जस्ट रिमेंबर दिस कि एसएनएमपी एंड टीएफटीपी के लिए यूडीपी है. देन इन द लास्ट आईमैप एंड टेलनेट जो हमने पढ़े हैं, IMAP जिसका की पोर्ट नंबर था 143 एंड टेलनेट का 23, इनके लिए अगेन टीसीपी है. तो ये टेबल एज इट इज हमें रिमेंबर करना है, याद करना है, लर्न करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस वाज ऑल अबाउट कि जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे या फिर डायरेक्टली लर्न करने वाली चीजें थी, हमने सब कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पे थ्री पार्ट्स में. तो आप तीनों पार्ट्स देखिएगा, सो डेट इन द लास्ट मोमेंट अगर आप ये वीडियोस भी कवर कर लेते हैं, यू विल बी लाइक यू हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल्स एंड सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज, सब आप याद कर चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड पोस्ट योर कमेंट्स, या फिर कोई डाउट है आपको, एनी काइंड ऑफ सजेशन यू आर हैविंग, प्लीज पोस्ट दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज स्टे सब्सक्राइब फॉर ऑल द अपडेट्स. इन द कमिंग टाइम वी विल पोस्ट मेनी वीडियोज विच विल बी रियली यूजफुल फॉर यू पीपल. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच.